समीर एक बात बताइए, आजकल इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, आज की जो यंग जनरेशन है उनको इतने डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो गई हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन ऐसे शब्दों का यूज़ करने लगे हैं ये लोग, तो ये तो अभी बहुत छोटी उम्र है, ये क्यों हो रहा है और ये कहाँ जाएंगे और इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन, इसकी इसका प्रॉब्लम है, इसको पहले अपन ये देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि इनका एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी नहीं है एक्चुअली। अच्छा, हंसी खुशी नहीं है इनकी अब, और उसकी प्रॉब्लम है जो एक नार्सिसिस टेंडेंसीज डेवलप हो गई है लोगों के अंदर। नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया है। क्या होता है ये नार्सिसिज्म? नार्सिसिज्म का मतलब होता है ऐसा बंदा, ऐसे लोग जिनका ईगो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि वो उनको सही गलत से भी कोई मतलब नहीं रहता, वो केवल अपने ही उसमें है, अपना उनका जो ईगो डेवलप हुआ है, अपना जो नेचर डेवलप उन्होंने कर लिया है उसी को सही मानते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है सही और गलत से। उसके अंदर वो फिट इन करने की, उसके सिस्टम में फिट इन करने की आपको कोशिश करेंगे, वो उसका एक सिस्टम डेवलप कर लिया है उसने, राइट, और वो हर तरीके से यही चाहेगा कि आप उसके सिस्टम के अंदर फिट हो जाओ। एक साइकोलॉजिकल सिस्टम, एक इमोशनल सिस्टम उसने डेवलप कर लिया है, सोशल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम, हाँ उसी को सही मानता है वो, उसको सही गलत से भी कोई मतलब नहीं है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सेल्फ है वो, डमी गवर्नमेंट बनाना चाहता है आपके अंदर, हाँ मतलब खुद को ही पैदा करना चाहता है आपके अंदर, आपकी रूह से मतलब नहीं है, आपके सेल्फ से मतलब नहीं है, खुद का सेल्फ डेवलप करना चाहता है आपके अंदर, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये तो फैमिलीज में बहुत कॉमन, ये बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत कॉमन है, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, और फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो अपन पूजा जो करते हैं ना ये घर वालों की, इस कारण से हो गया है। इसे ये पूजनीय नहीं है, ये सम्माननीय है, दोनों चीज़ों में अलग एक डिफरेंस होता है, एक लाइन होती है, राइट। सम्मान दो आप, रिस्पेक्ट दो उनको, लेकिन पूजा मत करो। पूजा करने को किसने बोला आपको? पूजा तो केवल परमात्मा की जाती है, ईश्वर की पूजा करो, हायर पावर की पूजा करो आप, ये तो खुद ही माया के अंदर है। माया के अंदर कोई भी होगा उसकी पूजा नहीं कर सकते हो आप, माया के बियॉन्ड जाके जो मायापति होता है वो मायापति तो केवल एक ही है। तो जब ऐसे लोगों के जो उन्होंने मोल्ड बनाया है उसमें जब फिट इन नहीं होते हैं, हाँ, तो ये किस तरह से हम पे इफेक्ट डालते हैं? ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करना स्टार्ट करते हैं, ये एक तरीके से एनर्जी वैम्पायर्स हैं ये, राइट, है ना। एनर्जी वैम्पायर्स का मतलब ये होता है कि भले ही वो आपको डायरेक्टली अब्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन जो पैसिव एग्रेशन है उसका, जो नेगेटिवली जो आपका एटमोसफियर जो उसने क्रिएट किया उससे आपकी सोल की जो एनर्जी है ना वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। क्या क्या सिम्टम्स? अब जैसे एक 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 है, जैसे एक कोई आपके फैमिली मेंबर है, भले ही वो आपके साथ थोड़ा सा हार्श रहता हो लेकिन अंदर से वो आपको बहुत प्रेम करता हो, तो सोल की एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आप हैप्पी ही रहोगे, बल्कि निखरोगे आप, हाँ, उसके साथ रह के आप नर्चर करोगे। और एक भले ही आपको ऐसा लगता है कि उसका बाय वर्ड्स वो आपको हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो अंदर से है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, हाँ, अब वो इतना पहचानना आना चाहिए, वो जो उसका सबकॉन्शियस है आपके अगेंस्ट है मान लो, तो आपकी एनर्जी लगातार फ्लो करेगी। और ये डिप्रेशन जो आ रहा है ना, एंग्जाइटी डिप्रेशन, थॉट्स पे कंट्रोल ना आना, इसका मतलब यही है कि आपकी एनर्जी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहा, आपकी सोल की एनर्जी इतनी तेजी से निकल रही है कि अंदर से आप एक तरीके से माल नरिश्ड हो गए हो, इनर वर्ल्ड आप, राइट। और बहुत इसके रिजल्ट आएंगे आगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपको मेंटल लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, मेंटल आएगा, फिर आपको धीरे धीरे इमोशनली करेगा, फिर डिजीजेस का फॉर्म ले लेता है यही, फिजिकल एलिमेंट्स हो जाएंगे आपको, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स तो अलग होते हैं, उस बारे में बात नहीं करना चाहता मैं भी, वो तो बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं, तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है इससे। ये सब अब्यूजेज हैं, पैसिव अब्यूजेज जो हो रहे हैं, इमोशनल अब्यूजेज जो हो रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन्स जो आप उन पर डाल रहे हो बच्चों के ऊपर, आप ज़बरदस्ती उससे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, जो ओवर एक्सपेक्टेशंस, कॉमन सेंस ही नहीं है। क्या ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है, मैंने जो फील किया है जितने स्टूडेंट से बात करके, बच्चों से बात करके, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करने पर ये गिल्ट और फियर, ये दो वेपन्स यूज करते हैं नार्सिसिस्ट लोग। बिल्कुल सही है, ये दो रूट्स हैं इसके, ये रूट्स हैं इसकी, एक तो गिल्ट, ये सब आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा, अपने आप ही आ जाएगा, ये आपको पता भी नहीं पड़ेगा, गिल्ट आएगा, रिमोर्स आएगा। रिमोर्स मतलब? पुरानी बातों के लिए कोई पुरानी कोई चीज़ आपने करी है वो याद आती रहेगी आपको, पास की गलतियाँ, बल्कि पास खत्म हो गया है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो उससे, ना चाहते हो, अभी हॉन्ट करती है आपको मेमोरीज को। और
एक डर आएगा आपके अंदर, एग्रेसिव होंगे, तो ये सब घर का माहौल है अपन लोगों पे एक्चुअली। एक्चुअली हाँ, ये जो ओवर आपने उसको इमोशनल एंगल दे रखा है ना, ओवर इतना नहीं देना चाहिए एक्चुअली, एक डिटैचमेंट रखना चाहिए। उस बारे में बात अपन करते नहीं क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, अपना एटमॉस्फियर ही ऐसा है, पता नहीं उनको क्या अपन ने इतना बड़ा बना रखा है। लेकिन अपन ये तो कर सकते हैं, सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को, नहीं लेकिन पहचाने, नहीं, माने। ऐसा नहीं होगा, इसकी सबसे फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि हाँ। आप एक्सेप्ट करो इस चीज को पहले। राइट, एक्सेप्ट करने से आपकी एनर्जी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्रिएशन शुरू होता है। ओके, पहले आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये है ऐसे, हैं ये ऐसे, आप उसमें ईगो मत जोड़ो। हाँ, मेरा भाई, मेरे पिता हाँ, ऐसे मत लगाओ, मेरे मेरे पापा हैं ऐसे, मेरी मम्मी हैं ऐसी, है तो है। देखो इसका इतना सा मतलब रहता है, स्पिरिचुअली बात करें तो ये जो आपके जो पास्ट कर्माज है ना, उस कारण से आपको पेरेंट्स मिले हैं। राइट, आपके आप पास्ट लाइफ को नहीं मानते तो कर्मों को मान लो। हाँ, उस कारण से आपको ये घर वाले मिले हैं। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उसमें कोई भगवान का मतलब नहीं रहता उसके अंदर, उसमें कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि ईश्वर भेज रहा है, ईश्वर भेज रहा है, ये तो बना देते हैं लोग, मिडिल मैन बना देते हैं, पंडित लोग बना देते हैं, स्पिरिचुअली कोई सत्य नहीं है ये चीजें, समझ रहे हो? ये माया है, ये माया के अंदर है कुल मिला के, अच्छा बुरा सब चलता है इसके अंदर, सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं। अभी तो एकदम लेमैन की तरह बात कर रहे हैं अपन इसमें। तो फर्स्ट स्टेप तो हुआ कि माने अपन, एक्सेप्ट, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, फिर एक्सेप्ट करो उसके बारे में, और फिर सेकेंडली आप कोशिश करो एक हायर पावर को पकड़ने की, ईश्वर से जुड़ने की। हाँ, उसका सबसे आसान तरीका, उसका सबसे अच्छा आसान तरीका है नाम जप। अच्छा, अब इस कंफ्यूजन में मत पड़ना यार, कौन सा नाम ले, कौन सा नाम ले, सब नाम जो अच्छा लग रहा है ले लो। शिव जी का नाम मत लो लेकिन, अभी शंकर जी का मत लो। अच्छा, शंकर जी के आयाम अलग है, वो नाम आपको नहीं लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय वगैरह, क्योंकि वो एक वैदिक पद्धति से नाम दिया जाता है। अगर आप बिना वैदिक पद्धति कोई, आपको बिना कोई गुरु के आप वो नाम लेते हो, अगर ले लिया आपने उस नाम, मतलब आप उसके बिना उसके नाम ले रहे हो, तो आपकी नेगेटिविटी और ज्यादा हावी हो जाएगी आपके ऊपर। मतलब कुछ रूल्स हैं उसके, ऐसे हाँ, समझ सकते हर चीज का रूल होता है आध्यात्म में, बहुत सारे रूल्स होते हैं, आप इसको मानो, आप उनका नाम मत लो अभी, वो एक अलग प्रोसेस है, उसका एक आयाम, उसका पूरा रीम ही अलग होता है, क्योंकि शिव जी जो रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में एक जैसे रहते हैं, उनके साथ नेगेटिविटी भी वही रहती है, पॉजिटिविटी और नेगेटिव दोनों पावर्स रहती हैं उनके साथ। तो आपके जो इनर वर्ल्ड के अंदर जो नेगेटिव पावर्स होंगी ना, वो फीड कर रहे हो आप उनको एक तरीके से, ऐसे समझ लो आप। राइट, हाँ, तो सबसे सेफ जो है राम कृष्ण हरि, ये जो इस लाइन के जो नाम है ना, जो लीला में आए भगवान, हाँ। ये नेगेटिविटी नहीं रखते, ये मारते हैं नेगेटिविटी को, इनका नाम लो, और डिटैचमेंट लाओ थोड़ा सा, आप थोड़ा त्यागी बनो, त्यागो इन सब इमोशंस को अपने, जरूरी नहीं है आपके इमोशन सही हो। राइट, समझो आप, और कोई 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 भी स्क्रिप्चर पढ़ना शुरू करो, सबसे अच्छी होती भागवत पढ़ो आप, श्रीमद् भागवत। हाँ, ठीक है, एक हाँ, दो पेज पढ़ लिए उसकी, हाँ, उसमें स्टोरीज हैं, एक स्टोरी पढ़ ली, ठीक है। हाँ, ये इनर वर्ल्ड को अपने स्ट्रेंथन नहीं करेंगे जब तक आपका कुछ भी, आपके आपके खून से ही आपका घाव भरेगा, बिल्कुल सही बात है, है ना, जब तक आपका इनर वर्ल्ड ही स्ट्रांग नहीं होगा, आप क्या थॉट को कंट्रोल करोगे, बहुत बड़ी बात होती है ये सब। तो सब तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके अंदर, आपकी सोल को फीड कर रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं लोग, सिस्टम आपके साथ नहीं, गवर्नमेंट आपके साथ नहीं, सब कुछ आपके अगेंस्ट में है, पूरा एटमोसफियर देख लो आप, क्या क्या हो रहा है, कैसे रहोगे आप फिर, अभी से ये हालत है अपनी। नाम जप कितनी बार करें शुरुआत में, कैसे करें? नाम जप सबसे पहले टाइमर लगा के स्टार्ट करो 10 मिनट, ठीक है, और फिर 10 मिनट रख के उसको रख दो, ठीक है, फिर दूसरी बार फिर 10 मिनट करो, एक साथ बहुत सारा मत करो आप, ठीक है, उससे क्या होगा, रिवोल्ट कर देगा मन आपका, हाँ, सडनली, क्योंकि अभी नेगेटिविटी है, हाँ, वो रिवोल्ट करेगा एकदम से, फिर आप छोड़ दोगे उसको। 10 10 10 10 मिनट करो, जैसे एक्सरसाइज करता है, पहली बार जिम में जाते हो तो शुरू शुरू में थोड़ी ना एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारी अपन, आपकी मसल ही गिवअप कर देगी, तो वैसे ही मन गिवअप कर देता है इसमें, ये सारा न्यूरोलॉजिकल है आध्यात्म, अंदर से कनेक्टेड है आपके इनर वर्ल्ड से, डायरेक्टली लिंक करती है चीजें सारी ये आपकी, आध्यात्म मतलब मनोविज्ञान, बहुत गहराई से देखें, और इसके अंदर कुछ आगे और सारी एनर्जी लेवल पे भी बहुत सारी बातें आती हैं, धीरे धीरे अपन और डीपली बात करेंगे। बिल्कुल,
तो अभी शुरुआत के लिए अपन ये मान सकते हैं कि हाँ 3-4-5 बार दिन में दस दस हाँ मिनट हाँ के दस दस टाइमर मिनट लगा का के करो, शुरू करें। शुरू करो, फिर आपको क्या होगा, आपको उससे अटैचमेंट होना शुरू होगा उस नाम से। अच्छा एक चीज़ और, अब ये बोलेंगे कौन सा, वो एक बार दूसरा नाम लेंगे फिर दूसरा नाम लेंगे, लेने दो आप, नाम बदलते रहते हैं, बदल दो, राम जी का लग रहा है राम का ले लो। बस मेरा इतना ही सजेशन है कि राम कृष्ण हरि राधा इन नामों में रहो आप, ठीक है अभी है ना, बिल्कुल। हरि ओम ले लो आप, श्री राम ले लो, या आप मुस्लिम हो तो आप आपने रिस्पेक्टिव जो आपके उसका जो है आपके रिलीजन का बोलो। हायर पावर से कनेक्ट हुए बगैर आप मेंटली ठीक नहीं रह पाओगे ना, ओम इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मत लो ओम, आप ठीक ओम भी मत लो, ओम भी नेगेटिव में वर्क कर जाती है एनर्जीज। ठीक है, ठीक वो निराकार वाली साधना मत करो आप, हाँ साकार वाली करो। उसमें क्या होता है, कस्टमाइज वे में ईश्वर एक फॉर्म लेके आए तो नेगेटिविटी उनके साथ नहीं आती है, उसमें अलाउ नहीं होती है नेगेटिविटी का आना। तो नेगेटिविटी को हटाओ आप सबसे पहले, अपने आप आपको देखने चेंजेस फील आएंगे, नाम से एक बार अटैचमेंट हो जाएगा फिर आप उसमें आगे बढ़ना। और बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।